वहीं उत्तराखंड में देवस्थानम बोर्ड इन दिनों चर्चाओं का विषय बना हुआ है। बीजेपी जहां इस बोर्ड को पंडितों और तीर्थ पुरोहितों के हित में बता रही है, तो वहीं देवस्थानम बोर्ड से तीर्थ पुरोहित और पंडित समाज की नाराजगी साफ सामने आ रही है। कांग्रेस भी आगामी चुनाव में अब देवस्थानम बोर्ड के मुद्दे को भुनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। देवस्थानम बोर्ड पर सूर्यकांत दसमाना का बड़ा बयान सामने आया। प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस 2022 में सत्ता में आएगी तो देवस्थानम बोर्ड को पहली कैबिनेट में खत्म कर दिया जाएगा। बता दें कि सरकार ने राज्य में होने वाली धार्मिक यात्राओं के बेहतर संचालन के लिए देवस्थानम बोर्ड का गठन किया है, जिसका तीर्थ पुरोहित लगातार विरोध कर रहे हैं। वहीं सूर्यकांत दसमाना ने कहा कि देवस्थानम बोर्ड को कांग्रेस पहले ही कैबिनेट में खत्म कर देगी। कैबिनेट में इट विल बी स्क्रैप्ड। देवस्थानम बोर्ड पहले दिन खत्म कर दिया जाएगा। देवस्थानम बोर्ड का गठन चार धामों के आंतरिक व्यवस्था और वहां के डेवलपमेंट्स के लिए किया गया है। हमारे सम्मानित हक हकूकदारियों के अधिकारों के संरक्षण के लिए धामी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। कांग्रेस के जो ये झूठे आश्वासन और जो जनता के साथ छलावा कर रही है, बताना चाहती हूँ कि अपनी मानसिकता से बाहर जाएं। हमारी सरकार जो है जनता के प्रति पूरी तरह से संवेदनशील है और लगातार हमारे हक हकूकधारियों से, तीर्थ पुरोहितों से संवाद व समन्वय स्थापित कर रही है। निश्चित रूप में आने वाले समय में आप जो भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स है वो देखने को आपको मिलेगा।